ऐसा केंद्र यहां पर बनने वाला है और बुलंदशहर भी अब कह सकता है हम भी एनसीआर की पार्ट हैं। जिन सुविधाओं के लिए अब तक बुलंदशहर को वंचित रखा गया, आज वे सुविधाएं बुलंदशहर में उपलब्ध हो रही हैं। कितना अच्छा संजोग है, चुनाव के दौरान जब कोरोना महामारी चुनाव में बैरियर बनकर के खड़ी हो रही थी, तो इसी सभागार में ऐसे ही मैंने बुलंदशहर की जनता का आह्वान करने के लिए पहली सभा मैंने यहीं पर आयोजित की थी। और आज कितना संजोग है कि चुनाव के बाद, सरकार गठन के बाद जब मुझे अवसर मिला, तो मुझे इसी स्थल पर एक बार फिर से आपके प्रति आभार व्यक्त करने और बुलंदशहर वासियों के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, आज हर एक क्षेत्र में हमारा देश एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। जीवन का वह कोई भी क्षेत्र हो, भारत को वैश्विक मंच पर एक नई प्रतिष्ठा दिलाने का कार्य हो, भारत की प्रगति और समृद्धि का मामला हो, भारत की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, या फिर भारत के अंदर बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने के लिए किए जाने वाले प्रयास, आज वह ईमानदारी के साथ जमीनी धरातल पर उतरते हुए दिखाई देते हैं। कोरोना महामारी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कोरोना के सामने अमेरिका पस्त हो गया, कोरोना के सामने यूरोप पस्त हो गया, कोरोना के सामने दुनिया के तमाम देश पस्त हो गए, लेकिन भारत बिना रुके और बिना डिगे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखे रहा।